देश की अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री मोदी अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में 5 अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। बजट से ठीक पहले हो रही इस मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है। थोड़ी देर में देश के अर्थशास्त्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक होगी। नीति आयोग में हो रही बैठक में मंत्री और कारोबारी भी शामिल हैं। बजट से ठीक पहले पीएम की इस बैठक की खास अहमियत है। बैठक के अहम सुझावों को बजट में शामिल किए जाने की उम्मीद है। बैठक में अर्थव्यवस्था, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और निर्यात पर चर्चा होगी। बैठक में सुधारों के लिए रणनीति बनाने की भी योजना है। दिल्ली के नीति आयोग में देश के बड़े अर्थशास्त्रियों के साथ मंत्री पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी इन सभी के साथ बैठक करेंगे। इस मीटिंग की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा रहा है कि इस बैठक का आयोजन बजट पेश होने से ठीक पहले हो रहा है। बैठक में कुल 5 मुद्दों पर चर्चा होगी। इनमें अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए कदम, कृषि क्षेत्र की विकास दर बढ़ाने में चुनौतियों, निर्यात बढ़ाने के लिए फैसले, स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने की रणनीति और नई शिक्षा नीति पर चर्चा शामिल है। रॉबर्ट वाड्रा के करीबी और हथियार डीलर संजय भंडारी पर सीबीआई का शिकंजा कस गया है। इस केस के सिलसिले में सीबीआई ने दिल्ली में संजय भंडारी के घर समेत कई जगहों पर छापेमारी की। रक्षा सौदों में दलाली को लेकर रॉबर्ट वाड्रा के करीबी संजय भंडारी पर एफआईआर दर्ज। दिल्ली में संजय भंडारी के घर और कई ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। यूपीए सरकार में 2009 में खरीदे गए 75 ट्रेनर एयरक्राफ्ट में दलाली का आरोप है। संजय भंडारी के अलावा सीबीआई ने भारतीय वायुसेना और रक्षा मंत्रालय के अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की। सीबीआई के मुताबिक इस बेसिक ट्रेनर विमान खरीद में 339 करोड़ का घोटाला हुआ था। आरोप है कि इस घोटाले से जो पैसे मिले उससे रॉबर्ट वाड्रा ने लंदन में प्रॉपर्टी खरीदी थी। सीबीआई ने यूपीए सरकार में बेसिक ट्रेनर विमान खरीद में घोटाले को लेकर रॉबर्ट वाड्रा के करीबी और हथियार डीलर संजय भंडारी पर एफआईआर दर्ज की है। इसी केस के सिलसिले में सीबीआई ने दिल्ली में संजय भंडारी के घर समेत कई जगहों पर छापेमारी की है। यूपीए सरकार में साल 2009 में 75 बेसिक ट्रेनर विमानों की खरीद की गई थी। सीबीआई के मुताबिक इस सौदे में कथित रूप से 339 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी। संजय भंडारी के अलावा सीबीआई ने भारतीय वायुसेना और रक्षा मंत्रालय के अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। बिहार में चमकी बुखार से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एईएस से बिहार में अब तक 165 बच्चों की मौत हो चुकी है। अकेले मुजफ्फरपुर में 127 बच्चों ने दम तोड़ दिया, लेकिन सरकार अपने तरीके बदलने को तैयार नहीं है। इस बीच बिहार में मॉनसून की बारिश शुरू हो गई है। अब उम्मीद ये की जा रही है कि तापमान कम होने से बीमारी का प्रकोप कम हो जाएगा। बिहार में चमकी बुखार से अब तक 160 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव को खोजने के लिए पोस्टर लगाए गए हैं। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज में 2 और बच्चों की मौत हो गई। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने लीची कारोबार बर्बाद होने पर चिंता जताई। चमकी बुखार की वजह जानने के लिए विशेषज्ञों की टीम बनाई गई है। जानकारों के मुताबिक चमकी बुखार से अभी तक लीची का कनेक्शन साबित नहीं हुआ है। बिहार में चमकी बुखार से मौतों का सिलसिला जारी है। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के नेता भी लोगों के निशाने पर हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का पोस्टर लगा दिया है। मुजफ्फरपुर की सड़कों पर लगे इस पोस्टर में लिखा है कि तेजस्वी यादव को ढूंढने वाले को 51,000 रुपए का इनाम मिलेगा। वहीं चमकी बुखार को लेकर लीची वाली अफवाह कारोबारियों के लिए मुसीबत बन गई है। बिहार के नेता कह रहे हैं कि अफवाह से लीची कारोबार का बड़ा नुकसान हो रहा है। हालत यह है कि अब डॉक्टर भी इसे लेकर सफाई दे रहे हैं। लीची उद्योग पर इस घटनाक्रम का बुरा असर पड़ा है और मुजफ्फरपुर डिवीजन में वहाँ के किसानों का, मजदूरों का ये बड़ा व्यापार का केंद्र है और 100 करोड़ से ज्यादा की क्षति लीची उत्पाद में लगे हुए कामों में लोगों की। अलग अलग कारणों से लोग बीमार पड़े। कुछ लोगों ने जो बीमार पड़े उसमें से कुछ लोगों ने लीची खाया ही नहीं है। वो तो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि चल फिर नहीं सकते, तो लीची कारण है, ये कहना पूरी तरह उचित नहीं है।
अलग अलग कौन कौन से कारण हैं, मैंने कहा आपसे कि भी स्पष्ट रूप से इसका निर्धारण ही नहीं हो पाया विशेषज्ञों के द्वारा। एक भ्रांति, उस घर में जिस घर में बच्चे थे जो आए, उस घर में दूसरे बच्चे नहीं जो लीची खाए, उनको क्यों नहीं है? एक साल का बच्चा, दो साल का बच्चा कौन सा लीची खाता है? कोई माँ उसको लीची नहीं खिलाती है, उसको क्यों है? ये रिसर्च का विषय और लीची इसमें कहीं से। इस बीच बिहार के कुछ इलाकों में मॉनसून की बारिश हुई, डॉक्टरों का कहना है कि तापमान में कमी से चमकी बुखार में राहत मिलेगी। तो सरकार ने तो अपने तौर तरीके बदले नहीं, क्या पता मौसम इस बीमारी के प्रकोप को कम करे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फॉर्म लौटेंगे।